बहुत आपको कदम आराम से उठाना है कि आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन मिल रहा है जिसमें आप अपना फैसला करेंगे, क्या आप इस जमीन के मालिक हैं या कोई और इस जमीन का मालिक है, इसका फैसला आपने करना है। जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हो, तब से तो ये हालांकि थे कि कश्मीर की चीज देने मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 अपॉइंटी से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा। यहाँ के लोगों को कहा था उस वक्त ये फूल किधर था उधर, जबकि हमने 96 में इलेक्शन लड़े, कहाँ थे, घर में बैठे थे और हमारे लोग शहीद हो गए, मस्जिदों से निकल के शहीद हुए, इनके अब्बा मस्जिद से निकल के शहीद हुए। तो उस वक्त अमित शाह साहब की लड़की, वो मेरे ख्याल से वहाँ पे अहमदाबाद में बिस्तरे में आराम से सो रहे होंगे जहाँ हम मर रहे हैं। अल्लाह से भरोसा है और इन लोगों पर भरोसा है, वो उनके एजेंट है, ये सबको पता है। और तो कहते थे आप प्लेबिसाइट होना चाहिए, क्या ये वही लोग नहीं जो कहते थे यहाँ आज़ादी आनी चाहिए, है ही वो लोग, क्या ये लोग नहीं नारा मारते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या ये वो लोग नहीं। आज कैसे चमत्कार आ गया कि आज ये हिंदुस्तान के प्यारे बन गए, आज उनको जेलों से छोड़ दिया रहे हैं कि चलो हमारे लिए लड़ो। सर कुछ जानते हैं आप, खुद सवाल का जवाब भी खुद दें, ये सबको पता है, हमें डर नहीं है। वो कितने सारियों को छोड़ दें, उसके बाद में नेशनल काउंसिल को निकाल नहीं सकते। यहाँ लोगों कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, देखिए जहाँ हमारा कैंडिडेट है जो अगर दूसरा कहता है वो बिल्कुल झूठ कहता है, जिसके साथ